नमस्कार, मैं रवि भट्ट स्वागत करता हूँ एक नए फ्रेश ब्लॉग वीडियो में। आज मैं हूँ अपने ऑफिस में और हमारे पास है एक आयुर्वेदिक हैंड सैनिटाइजर। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कोरोना महामारी से पूरा देश क्या पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है और हमारे वैज्ञानिकों द्वारा हमारे डॉक्टरों द्वारा हमें बताया गया कि किसी भी चीज़ को छूने से पहले टच करने से पहले सैनिटाइजर का यूज करें, अपने हाथ को ग्लव से ढकें, मास्क लगाएं, बाहर किसी चीज़ को टच करने से पहले साबुन से या सैनिटाइजर से हाथ को अच्छी तरीके से साफ करें, इसके बाद किसी चीज़ को अपने नाक कान मुंह को छुएं। लेकिन मार्केट में सैनिटाइजर की कीमतों में आग लगी पड़ी है। एक तरफ जहां सैनिटाइजर मिल नहीं रहे हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हों या केमिकलीज हों, काला बाजारी हो रही है सैनिटाइजर का। लेकिन आज हमारे पास आयुर्वेदिक हैंड सैनिटाइजर है जिसको मैंने यानी हमारे सर हैं उन्होंने घर पर इसको तैयार किया है। इस सैनिटाइजर के बारे में हम आपको बताएंगे कि कम लागत में एक अच्छा सैनिटाइजर आप कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस आयुर्वेदिक हैंड सैनिटाइजर को बनाने की कीमत बहुत कम है, इसको आप अपने घर पे बना सकते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको घर पर कैसे इस हैंड सैनिटाइजर को तैयार कर सकते हैं और अपने आप को कोरोना जैसी बीमारियों से बचा सकते हैं। ये हैंड सैनिटाइजर को मैंने बनाने से पहले देखो, नीम के पत्तों को मैंने इकट्ठा किया और नीम के पत्ते मैंने वरदान है आयुर्वेद के लिए नीम के पत्ते, और उसको पानी में उबाला। ठीक है, जैसा कि आपको बता रहा हूँ मैं कि इस हैंड सैनिटाइजर को बनाने के लिए मैंने कुछ नीम के पत्ते एकत्रित किए, इसके बाद उसको पानी में उबाला मैंने, और उबालने के बाद उसका पानी अलग कर लिया और नीम के पत्तों को मैंने उबालने के बाद फेंक दिया, पानी को अलग किया, इसके बाद उसमें कपूर और फिटकरी और मिंट इसको इसके अंदर मैंने डाला। वैसे मिंट ना हो आपके घर पे, अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है मिंट, तब भी हैंड सैनिटाइजर के लिए तीन चीजों की आवश्यकता पड़ी। नीम के पत्ते को पहले मैंने उबाला, उसका जो रस निकला उसमें कपूर, और इसके बाद फिटकरी को मैंने घोल बनाया अच्छे से और इस डिब्बे में पैक किया। जी हाँ, तो नीम के पत्ते के औषधीय गुण के बारे में तो आप बखूबी जानते होंगे, उसी लिए मैंने उसको नीम के पत्ते का को उबाल कर कपूर और इसके बाद फिटकरी को मिलाया और हमारे सामने तैयार हुआ एक आयुर्वेदिक हैंड सैनिटाइजर। जी हाँ, इसको आपको ऐसे निकालना है और इसके बाद अगर आप किसी चीज को टच करते हैं आपको ऐसे अपने हाथों पर धोना है, इसके बाद आप इसको पानी से ना धुलें, क्योंकि पानी से धुलने के बाद इस सैनिटाइजर का जो गुण होता है वो औषधीय गुण खत्म हो जाएगा। तो आपको किसी चीज को टच करने के लिए इस हैंड सैनिटाइजर को थोड़ा सा ऐसे निकाल के अपने हाथों को ऐसे ऐसे पूरे उंगलियों में फेरना जहां से आप टच कर रहे हैं। अगर आप इसको ऊंट और इसके बाद अपने जीभ पर लगाएंगे तो ये थोड़ा तीखा जरूर लग रहा है, जैसा कि औषधीय है नीम के पत्ते बहुत सारे विज्ञान के लिए और आयुर्वेद के लिए वरदान है। तो हैंड सैनिटाइजर आप बना सकते हैं अपने घर पे मेरे इस नियम को फॉलो करके और अपने आपको कोरोना जैसी महामारी से बचा सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। हैंड सैनिटाइजर अगर आपने बनाया ऐसा तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और आप इस चैनल पर नए हैं तो पास लगी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि जो महामारी में काला बाजारी हो रही है सैनिटाइजर से उससे आप बच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग नाउ दिस वीडियो।